साथियों, लंबे समय से देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता हो, एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ चार दीवारें बनाना नहीं होता है। किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम कदम पर उसका साथ दे। इसलिए बीते 8 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए देश एक नहीं, दो नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। इन 6 मोर्चों पर केंद्र सरकार आज रिकॉर्ड निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।